आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड के लालटेन के 584वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। बस स्टैंड के पास हम खड़े हुए हैं और हमारे पीछे बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर त्योहार के समय खोद दिया गया है, एक तरफ का बन गया है, दूसरी तरफ का भी नहीं बन पाया है। इसके साथ ही हमारे पीछे ये सड़क दिख रही है, ये सड़क भी लगभग बंद जैसी है। आज 20 अक्टूबर 2023 को हम यहाँ खड़े हुए हैं। 20 अक्टूबर नवरात्र की पंचमी है और षष्ठी है। 15 तारीख से नवरात्र आरंभ हुई है। 15 तारीख को प्रथम दिवस, 16 को द्वितीय, 17 को तृतीय, 18 को चतुर्थ, 19 को पंचम और 20 को षष्ठम। आज छठवां दिन है। अब 21, 22, 23 दो दिन भर बचे हुए हैं। 23 तारीख को नवरात्र है। 23 अक्टूबर को हर साल यहाँ पर नवरात्र के नवमी पर जवानों का विसर्जन होता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं दलसागर की दुर्दशा किस तरह की है। इस बार पहली बार ही हुआ होगा सिवनी में, जब से दलसागर का निर्माण हुआ है लगभग एक पूरी शताब्दी बीत गई और एक शताब्दी में दलसागर के इस निर्माण में कहीं भी आपको याद नहीं पड़ रहा होगा। बुजुर्ग भी इस बात को बता सकते होंगे कि बारिश में पहली बार यह दलसागर खाली रहा है। नगर पालिका परिषद की अदूरदर्शिता के कारण, नगर पालिका परिषद के द्वारा जिस तरीके की अदूरदर्शिता दिखाई गई, गर्मी के एन पहले अमूमन फरवरी मार्च में इस दलसागर को खाली करा दिया जाता है, पर पहली बार यह हुआ होगा कि अप्रैल माह में इसे खाली कराया गया। अप्रैल और मई में खाली कराया गया। उसके बाद अभी तक वहाँ किनारे में पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्रिज भी अभी पूरा नहीं हो पाया। पता नहीं कि यहाँ पर किस तरह से नगर पालिका परिषद काम कर रही है। और नगर पालिका परिषद के बारे में हम बता दें कि कांग्रेस की नगर पालिका परिषद बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस की नगर पालिका परिषद परिषद पर कब्जा कांग्रेस का है। और कांग्रेस का नगर पालिका परिषद पर कब्जा होने के बाद कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल, ऐसा प्रतीत होता है उनका कोई अंकुश नगर पालिका परिषद पर नहीं रह गया। उसका कारण यह है कि यहाँ पर आते जाते लोग देख रहे हैं, चुनावी बयार बह चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। यहाँ कहीं भी आपको पानी का नामो निशान नहीं दिख रहा होगा। ठेकेदार के द्वारा अगर समय सीमा में काम पूरा नहीं कराया गया, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए था। विडंबना ही कही जाएगी कि नगर पालिका परिषद जब भारतीय जनता पार्टी की थी, तब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद रहते हुए सिवनी में मॉडल रोड का निर्माण कराया गया। 2012 से 2023 आ गया, मॉडल रोड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और मॉडल रोड को अब बनाया जा रहा है केंद्र की इमदाद से, एनएचएआई के द्वारा। जैसा बताया गया कि एनएचएआई के द्वारा यहां पर मॉडल रोड को बनाया जाएगा। केंद्र पोषित योजना के तहत सिवनी में जलावर्धन योजना, नवीन जलावर्धन योजना 45 करोड़ की आई, जिसे आसपास के जिलों में अधिक जिलों से अधिक राशि होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। पर जब ये राज्य सरकार को जाती है, राज्य सरकार के द्वारा इसे मान्य कर दिया जाता है, इसे स्वीकृत कर दिया जाता है। 45 करोड़ की जलावर्धन योजना को 62.55 करोड़ की कर दिया जाता है। विपक्ष में कांग्रेस बैठती है, विपक्ष कांग्रेस बैठने के बाद कुछ नहीं कर पाती है। हमेशा मॉडल रोड और जलावर्धन योजना को लेकर कांग्रेस के द्वारा ये बात कही जाती रही कि जब हम सरकार में आएंगे हम इसकी जाँच कराएंगे। 15 महीने कांग्रेस सरकार में रही, प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कोई जांच अभी तक नहीं हो पाई जलावर्धन योजना और मॉडल रोड की। वर्तमान में 1 साल से अधिक समय हो चुका है, नगरपालिका परिषद पर कांग्रेस का कब्जा है, मॉडल रोड के बारे में कांग्रेस पूरी तरह मौन है, जलावर्धन योजना के बारे में कांग्रेस पूरी तरह मौन है। कांग्रेस के की ओर से नगरपालिका परिषद की कमान शफीक खान संभाले हुए हैं।
और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है नगर पालिका में, वो भी पूरी तरह खामोश बैठी हुई है। सवाल यही है जहां से हमने बात चालू करी थी, जवारों का विसर्जन इस बार कहां होगा? जिस तरह गणेश उत्सव में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन मठ तालाब में किया गया बिना किसी पूर्व तैयारियों के, वहां कराया गया, एक दुर्घटना हुई, चाकू चले, वहां पर विवाद हुए, यहां आप देख सकते हैं सालों पुरानी परंपरा इस बार टूट सकती है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खोराना मौन हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल मौन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे मौन हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर दक्षिण दो नगर मंडल हैं, दोनों नगर मंडलों के अध्यक्ष संजय सोनी और अभिषेक दुबे दोनों मौन हैं। यहाँ देख सकते हैं गंदगी किस तरह से यहाँ से वहाँ तक आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे पूरी गंदगी दिखाई दे रही है। 20 अक्टूबर को हम यहाँ खड़े हुए, शाम को लगभग 4-4:30 बजे का समय है और 21 और 22 दो दिन का समय बचता है। यहाँ पर जवारों का विसर्जन कैसे होगा इस बारे में ना राजकुमार खुराना को कांग्रेस की ओर से परवाह है, ना इमरान पटेल को कांग्रेस की ओर से परवाह है, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर की चिंता आलोक दुबे को है, ना ही संजय सोनी और अभिषेक दुबे, किसी को सिवनी की चिंता नहीं है। बस स्टैंड का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल आज भी वही खड़ा हुआ है कि यहाँ जवारों का विसर्जन कैसे होगा। कांग्रेस भाजपा विधानसभा चुनाव में आपके दरवाजे वोट मांगने आएगी, निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के साथ संगठन के लोग भी आएंगे, पर लोगों का यही कहना है किस मुंह से मत मांगेंगे जब ये पूरा सामने दिखाई दे रहा है खाली पड़ा हुआ। जनता के धन का अपव्यय किसे कहते हैं, ये साक्षात उसका उदाहरण सामने दिख रहा है। लोगों का तो यहां तक आरोप है कि मिली जुली नूरा कुश्ती कांग्रेस और भाजपा की होती है, कांग्रेस और भाजपा समय समय पर बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें ऐसी करती हैं कि लोग भ्रमित हो जाएं, पर जब आप उसके अंत में पहुंचते तो अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक बार फिर हम कहना चाहेंगे यहाँ 23 अक्टूबर को नवरात्र पर जवानों का विसर्जन कैसे होगा, ये बात एक अभी भी यक्ष प्रश्न बनकर खड़ी हुई है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अगर आप बात करेंगे तो वे निश्चित तौर पर एक ही रटा रटाया जवाब देंगे, आपने हमारे संज्ञान में लाया, हम इस बारे में देखेंगे। वो आपको वेतन किस बात का मिल रहा है, ये सारी चीजों को देखने का हम संज्ञान में क्यों लाएं, यह जनता आपके संज्ञान में क्यों लाए, आपकी ये नैतिक जवाबदेही है, आपको इसी बात का वेतन मिल रहा है कि आप इन सारी चीजों को देखें, और इस तरीके का रटा रटाया जवाब अगर आपके द्वारा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये सारे जवाब कहीं ना कहीं इस आपकी गैर जवाबदेही को भी दर्शाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइड माफ कीजिएगा, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 584वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 585वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, जय हिंद।